मैनहट घोटाले पर सरयू राय ने किताब लिखी है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अन्य अमृता ने, जानते हैं उस किताब में क्या कुछ है। सरयू राय जी ने मैनहट घोटाले पर किताब लिखी है, लगभग तैयार है, जल्द ही आप लोगों के सामने आएगी। उनसे बात करते हैं कि इस बार ये जो किताब है वो किस घोटाले पर है, क्या कुछ था और इसके क्या मायने हैं। सर, ये जो मैनहट घोटाला था, क्या था ये घोटाला और आपने उसको किस तरह से फिर किताब का रूप दिया? परामर्श ही चाहेगा, बहुत बड़ा काम है, इसलिए कुछ एक्सटर्नल एडवाइजर्स चाहिए, इसको एक्सपर्ट्स चाहिए एक्सटर्नल। उसके आधार पर उसका 12 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया, कुल मिला के 24 करोड़ रुपया पर फाइनल हुआ। तो इसकी जांच हुई, विधानसभा में सवाल उठा, एक जांच समिति बनी, जांच समिति ने बड़ी सतही रिपोर्ट दे दिया। उस जांच समिति के ऊपर इन्होंने अपने ही विभाग के चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में कमेटी बना के उसको ट्रू करा दिया। कार्यान्वयन समिति में मैं था, मेरे सामने रिपोर्ट आई, मैंने देखा, मैंने जांच किया, अध्यक्ष से कहा कि इस पर तो मुझे एक अलग रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और मैंने रिपोर्ट दिया कि इसमें बहुत पक्षपात हुआ है, बहुत गलत हो गया है, अयोग्य जो परामर्शी था उसी को इस काम के लिए बहाल कर लिया गया है। बात हमारे खिलाफ कल तक होती थी कि मैं तो साहब अपनी ही पार्टी में अपने पार्टी के मंत्री के खिलाफ हमने रिपोर्ट दिया। मैंने कहा कि भाई ये जनहित का मामला है, जो इसमें सही है मैंने उस सही बात को सामने रखा है। इस तरह का एक घोटाला हुआ और उस घोटाला को हमारी ही सरकार ने किया, तो हमसे कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि हम दूसरे पर उंगली उठाएं, और हमारे सरकार का बैठा हुआ मंत्री गलत कर रहा है तो उसको हम शाबाशी दें। तो मैंने इतना ही किया है कि मैंने वस्तु स्थिति को उजागर कर दिया, हमारी बात सही साबित हुई। तो किताब में इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ कि सारे लोग, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार के विरोध लड़ते हैं, वे जिनकी रुचि सुशासन में और संसदीय लोकतंत्र में है, वे ये समझें कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने सही बात कहा है। अब हम सही बात करते हैं, और विधानसभा में जब आवाज़ उठी तो मंत्री ने कहा कि सांझ की आँच क्या, आप जाँच करा लीजिए। जांच करने के लिए समिति बनी, उसको मैनेज किया गया। तो सांझ के आँच क्या की बात करने वाले जब सांझ के आँच पर राजनीति का पानी डालने लगते हैं, बुझाने लगते हैं, और व्यवस्था में ऊंच पदों पर बैठे लोग, चाहे भाजपा के हों चाहे किसी दल के हों, ये लोग अगर समझौता कर लेते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और मैं उनको उंगली दिखाता हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, तो अभी भी की सरकार भी है, अगर अभी की सरकार में बैठा कोई व्यक्ति गलत करेगा, मुझे दिखाई पड़ेगा, तो मैं तो कम से कम उसको उंगली उठाऊँगा। क्या किया, किसकी नीयत क्या थी, ये तो निगरानी विभाग की जांच हुई होती, निगरानी विभाग को जांच करने का अवसर मिला होता तो स्पष्ट हो गया होता। आज भी हाईकोर्ट में मामला निगरानी विभाग की जांच के लिए पेंडिंग है। आज जो सरकार बैठी है इतना ही करे, निगरानी विभाग को जांच करने का आदेश दे दे, पता चल जाएगा किसकी क्या नीयत थी, किसने क्या किया है, किसने क्या लिया है, किसने क्या दिया है। के जरिए सरयू राय यही बताना चाहते हैं कि मैनहट घोटाला ये कोई दो व्यक्तियों का टकराव नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की वो कड़ी है जिसकी जांच जरूरी है, और वर्तमान सरकार से भी उन्होंने इशारों में ये कह दिया है कि वो चाहे तो जो ये कड़ी जो छूटी हुई है, जो जांच के दायरे में सही तरीके से नहीं आई, सही तरीके से लाई जाए, तो ऐसे घोटाले जो हैं आगे चलकर रोके जा सकेंगे। छोटी सी एक गलती से रांची का सीवरेज ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया और खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। कैमरा पर्सन अनवर के साथ हमने अमृता, न्यूज़ 11, जमशेदपुर।